एके अरोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हिंदी में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एलेक्सा के लिए काम यूज में आने वाली अमेजॉन म्यूजिक, वैसे तो इसका और भी यूज करते हैं, मोबाइल में भी यूज करते हैं, लेकिन मोबाइल के अंदर अमेजॉन म्यूजिक को ऐप को इंस्टॉल करके आप एलेक्सा के अंदर उस प्लेलिस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सिखाने जा रहा हूँ। यानी आप जो प्लेलिस्ट बनाएंगे एलेक्सा के अंदर, जो बोल करके प्लेलिस्ट बनाते हैं, उसकी बजाय आप इस अमेजन म्यूजिक ऐप के अंदर वही ऐप जो प्लेलिस्ट बना सकते हैं, उन प्लेलिस्ट को एडिटिंग करना या जो भी उसके अंदर आपने गाना जोड़ना है, हटाना है, नाम चेंज करना है उसका, वो सारे काम आप इस ऐप के थ्रू भी अपने स्मार्टफोन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अमेजन म्यूजिक की ऐप इंस्टॉल करूँगा। तो आप देखिए, मैंने सर्च किया अमेजन म्यूजिक, तो ये दिखा रहा है सबसे ऊपर ब्लू कलर में जो दिखा रहा है आपका, ये म्यूजिक, अमेजन म्यूजिक सॉन्ग्स एंड पॉडकास्ट, ये मेरे इस मोबाइल में इंस्टॉल्ड है। तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए, और इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट मैं आपको लोगो दिखाता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद उसको लॉगिन कर लीजिए। मैंने इसको इंस्टॉल करके और लॉगिन कर लिया है। तो लॉगिन करने के बाद आपका जो होम पेज है उसके ऊपर आपके किस टाइप से नज़र आएगा, ये दिख रहा है इसके अंदर। अब मेरा जो पर्पज़ इसके अंदर ये है कि आप इसकी लाइब्रेरी को कंट्रोल करेंगे। नीचे नीचे आप देखिए, ये लाइब्रेरी पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आ रहा है प्लेलिस्ट, उसके बाद एल्बम और सॉन्ग्स। ठीक है, हमें प्लेलिस्ट को ऊपर मैंने म्यूजिक सेलेक्ट किया ये, और इसमें प्लेलिस्ट के आगे मैंने इसका जो एरो है उसको क्लिक किया। तो इसके अंदर जब भी न्यू प्लेलिस्ट आपने बनानी है तो न्यू प्लेलिस्ट बना सकते हैं, और जो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है वो यहाँ शो करेगा। किसी भी प्लेलिस्ट को मैं खोल सकता हूँ, जैसे मैंने एवरग्रीन प्लेलिस्ट को ओपन किया तो ये सारे सॉन्ग्स नज़र आ रहे हैं आपको। इन सॉन्ग्स के ऊपर क्या एक्शन लेना है, ये तीन डॉट वाला अगर हॉरिजॉन्टल बार देखें तो उसमें आप जो है वो ऐड टू माय म्यूजिक, ये ऐड टू प्लेलिस्ट, ठीक है, गो टू एल्बम, रिमूव फ्रॉम प्लेलिस्ट, यदि आपने उसको हटाना है प्लेलिस्ट से तो इसको आप हटा सकते हैं। और भी कोई आपने जो इसके ऊपर प्रोसेस करना है, इसके अलावा देखिए आप इस पर नाम चेंज करना, यदि आपने एडिट वाला ऑप्शन से आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो ये जैसे है प्लेलिस्ट, अभी आपका प्लेलिस्ट है जी, ये जैसे सबसे एवरग्रीन प्लेलिस्ट के मैंने ये यहाँ किया, तो इसमें आप देखेंगे एडिट, तो एडिट के द्वारा आप कोई भी सॉन्ग माइनस वाले पे यहाँ क्लिक करेंगे तो वो सॉन्ग आपकी प्लेलिस्ट से हट जाएगा। और ये नाम चेंज करना चाहिए ऊपर ऊपर जाए, इसके ऊपर ओवरराइड कर लीजिए और यहाँ डन कर दीजिए, तो आपका ये नाम भी चेंज हो जाएगा। तो ऐप का आप नाम चेंज कर सकते हैं, गाने हटा सकते हैं और गाने ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करने का भी ऑप्शन आपका इसमें यहाँ दिख रहा है प्लस, ये मैं प्लस दबाऊँ तो ये आपका कोई भी गाना आप सिलेक्ट करके आर्टिस्ट के हिसाब से, एल्बम के हिसाब से, सॉन्ग्स के हिसाब से, जेनर के हिसाब से आप चूज कर लीजिए, और ये प्लेलिस्ट। तो आप अपने गाने चेंज कर ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इस ऐप के द्वारा मैंने ये बताया कि आप एलेक्सा के ऊपर डायरेक्ट ना यूज करके उसी को आप ऐप के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर करें। इस चैनल को पहली बार देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में कमेंट, क्वेरी या फीडबैक जरूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।